राम राम मित्रों, आज तारीख है 8 अगस्त और आज हम चल रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए। तो जो भी अपडेट रहेगा हम आपको इस ब्लॉग में देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि सावन का महीना चल रहा है, तो इस समय अयोध्या में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आपको देखने को मिलेगी। और अयोध्या राम जन्मभूमि पथ मार्ग के सामने जो होटल्स अभी 3-4 बने हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और यही जो होटल है वो आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम पहुँचने वाले हैं जन्मभूमि पथमार्ग और वहाँ से इंटर करेंगे अंदर की तरफ। और यहाँ पर हाल ही में 20-25 ये जो शेयर टैक्सियाँ चलाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ही अच्छी है। हनुमानगढ़ी से लेकर के पूरे आगे तक जन्मभूमि पथमार्ग तक जो ई रिक्शा होता था उनको बैन कर दिया गया है। यहाँ पर वही एंट्री कर सकती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बस हो या इलेक्ट्रॉनिक सीट टैक्सियाँ हों। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है जिससे भक्तों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये भाई देख सकते हो किस तरीके से पब्लिक आपको देखने को मिल रहा है। जैसे जनवरी या फरवरी महीने में आपको श्रद्धालु देखने को मिल रहे थे, कुछ उसी तरीके से पब्लिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद हमें इतने ज़्यादा श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। ये तीर्थ क्षेत्र की तरफ से जो एक ऑफिस बनाया गया है, यहाँ विजिट करके आप जो भी सुविधाएँ हैं वो आप यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पर विश्राम भी करते हैं या अपने जूता चप्पल यहीं पर ही उतार देते हैं। बाकी अंदर जाने के लिए ये तमाम प्रकार के जो मार्ग बनाए गए हैं जिनको डिवाइड किया गया है एक स्टील रॉड की सहायता से, ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इससे पब्लिक भी कंट्रोल में रहती है। तो बाकी जन्मभूमि पथ कितना ज़्यादा खूबसूरत है वो तो आपने कई ब्लॉग में देख ही रखा है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, हम पहुंचने वाले हैं जन्मभूमि, अंदर चल करके आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अभी भी श्रद्धा है जो कि इस रूप में मुझे देखने को मिल रही है। आज लगभग 2 महीने बाद हम प्रभु रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं जो कि लगभग बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया। तो आज हमने सोचा श्रावण मास चल रहा है, चलिए प्रभु रामलला का भी दर्शन कर लिया जाए। तो कौन कौन इस वीडियो को कहां से देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल हम भी, इतना खूबसूरत लगता है जन्मभूमि पथमार्ग और यहाँ के श्रद्धालु इतने खूबसूरत लगते हैं कि उनको देखने का बार बार जी करता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर वाटर कूलर इत्यादि सभी चीज़ों की व्यवस्था कर दी गई है। और ख़ास बात यह है कि पूरे श्रावण मास में राम मंदिर के अंदर भंडारा चल रहा है, सभी राम भक्त आकर के यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। वैसे भोजन करने के लिए तो अमावा राम मंदिर है ही है, हमने आपको दिखाया था, लेकिन प्रसाद मिल रहा है कहाँ पर, राम मंदिर के अंदर, वो भी आगे चल करके आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। तो ये जो आप देख रहे हो ये सुगम दर्शन वालों की लाइन है, ये ऑनलाइन पास आपको बुक करना होता है जो कि तीर्थ क्षेत्र का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जा कर के आप कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर चेकिंग क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, फर्स्ट चेकिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ से मैं इंटर कर चुका हूँ अंदर की तरफ। अंदर का जो सीन है वो आप देख सकते हैं, कैनोपी वगैरह लगा दिया गया है। बरसात हो या गर्मी हो, यहाँ श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या फेस नहीं करनी पड़ती है। तमाम प्रकार के फ़ैन लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े कूलर लगा दिए गए हैं। इन गर्मियों में जितने भी राम भक्त आए उनको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला है इन सब सुविधाओं से। सामने देख सकते हो राम मंदिर देखने को मिल रहा है, अंदर चलते हैं। और एक चीज़ हमें नया देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रामलला के मंदिर का एक छोटा सा सेटअप बना दिया गया है क्योंकि अंदर मोबाइल टोटली बैन हो गया है, तो यहाँ पर आ करके भक्त लोग अपना फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। तो अभी ये देखो पूरा कैनोपी भरा है क्योंकि अभी 2 महीना पहले आया था तो यहाँ पर बहुत कम पब्लिक देखने को मिल रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं और सभी राम भक्त अब आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑल हमारा पहला काम है कि चल करके कहीं पर सूज उतारा जाए। तो सूज उतारने के लिए यहाँ पर तमाम प्रकार के एक कैटेगरी डिवाइड किया गया है, यहाँ पर आप आ करके सूज अपना रख सकते हो। ये एक स्लिप देते हैं, वो स्लिप आपको रखना होगा, वो आप यहाँ पर आकर देंगे तो ये आपको सूज या स्लीपर हो वो आपको वापस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जल की व्यवस्था कर दी गई क्योंकि भंडारा भी बगल में चल रहा है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं।
जैसे देखिए पूरा मेला लगा हुआ है, कुछ इस तरीके का पब्लिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब सेकंड काम हमारा होता है कि लॉकर में मोबाइल इत्यादि और स्मार्ट वॉच जो भी है वो जमा कर दिया जाए, क्योंकि अंदर ये सब चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं है जैसा कि आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर तमाम प्रकार के देखिए नंबर वाइज डिवाइड कर दिए गए हैं काउंटर, किसी भी काउंटर पर आप जा करके पूरा फ़ोन इत्यादि जमा कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास अभी 6-7 फ़ोन हैं, ये चल करके जमा करते हैं, उनसे चाबी लेते हैं, है ना। चाबी लेकर के इनको रिटर्न भी करना पड़ता है। चलिए हमने रामलला का दर्शन कर लिया है, क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने सामान लेने के बाद हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। बाहर जो भंडारा चल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं, उससे पहले दिखाएंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है वो यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से चल रहा है। अभी हमारे हिसाब से तो 2 से 2.5 वर्ष लगेगा पूरा मंदिर कंप्लीट होने में। ये देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेट को बनाया जा रहा है। अब हम बाहर निकल चुके हैं, यहीं पर भंडारा चल रहा है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पूरा श्रावण मास ऐसे ही चलेगा, तो ये भंडारा आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आज मैंने जो भी अपडेट था वो आप लोगों को दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और ये वीडियो आप लोगों ने कहाँ से देखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अयोध्या से रिलेटेड और तमाम प्रकार की जगहों से मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय श्री राम।